रशिया अपनी ताकतवर आर्मी के जरिए पिछले 5 दिन से यूक्रेन के ऊपर कंटिन्यू वार कर रहा है। सामने यूक्रेन भी हार मानने को नहीं है तैयार, उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं। इस महायुद्ध के चलते कई सैनिकों और नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है और घायल भी हुए हैं। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लंबे युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसमें यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियार की मदद मिल रही है और साथ में यूके और यूएस सहित 28 देश मदद के लिए तैयार है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि पोलैंड अपने फाइटर प्लेन्स यूक्रेन की सेना को देंगे। अब भारत देश की बात करें तो यूएन में जब भारत निष्पक्ष रहा था, लेकिन आज वह यूक्रेन की मदद के लिए आगे बढ़ा है, जिसमें हमारे भारत देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यह कहा है कि हम यूक्रेन में इंसानी मदद भेजेंगे, जिसमें दवाएं शामिल होंगी। और इसके साथ ऑपरेशन गंगा के जरिए हमारे भारतीय छात्रों को विमान के जरिए भारत वापस लाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या भारत के इस फैसले से रशिया भारत से नाराज हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञानी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और साथ में पेज को फॉलो करना ना भूले। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।